एंड इज फ्री। ये पोयम विलियम बटलर यार्ड्स के द्वारा लिखी गई है। दिस इज द वेल नोन पोयम एक्सप्लोर द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रांसक्रिटी ऑफ द हिस्ट्री अ प्लेस वेयर आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय एंड दिस पोयम इज अ लिरिक। ये एक लिरिक पोयम है। इसमें जो पोएट है उन्होंने बहुत सारा टाइम जो है वो स्पेंड किया है एज अ बॉय, मतलब जब वो बॉय थे वहाँ पर उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है, और किस प्रकार से किया है ये हम अपने अपनी पोएम में देखेंगे। आई विल अराइव एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और वहाँ जाऊँगा। एंड गो टू नेस्ट्री, नेस्ट्री एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ मैं जाऊँगा। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर, और वहाँ एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा ऑफ क्ले एंड वेटलेस मेड, मतलब जो कि क्ले का होगा और वेटलेस मेड के द्वारा बना हुआ रहेगा। नाइन बीन रोज वेल आई हैव देयर, वहाँ पर बीन रोज रहेंगी। अ हीप फॉर द हनी बी, और जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके लिए हीव रहेगा, मतलब मधुमक्खियों का छत्ता रहेगा जिसमें वो रहती हैं। एंड लीव अलोन इन द वी लव ग्लेड, और वहाँ पर वो जो वीर है वो अकेली रहेंगी जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी। फॉर द पीस कम द ड्रॉपिंग, फॉर द पीस कम ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स देयर मिड नाइट ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड द इवनिंग फुल ऑफ द इन स्विंग। अब वहाँ पर मुझे बहुत शांति मिलेगी और जो शांति मुझे मॉर्निंग तक मिलेगी, और वहाँ पर मैं एक सॉन्ग भी सुन पाऊँगा जो कि क्रिकेट, जो कि एक इंसेक्ट होता है उसके द्वारा गाया जाता है, उसे सुन सकूँगा। देयर मैनकाइंड ऑल द ग्लिमर, और वहाँ पर हम मिडनाइट को, मतलब कि आधी रात को हम इसका ग्लिमर देख सकते हैं कि वहाँ पर स्टार्स रहेंगे और जो क्रिकेट है वो गा रहा है। तो एंड नून अ पर्पल ग्लो, और मुझे पर्पल ग्लो भी वहाँ दिखाई देगा दोपहर के, दोपहर में पर्पल ग्लो, क्योंकि सूर्य जब चमकेगा तो उसका ग्लो अलग ही दिखाई पड़ेगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनिट विंग्स, और जो इवनिंग रहेगी शाम भी बहुत ज़्यादा सुहानी रहेगी। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड द डे, आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड बाय द शोर, व्हाइल आई स्टैंड ऑन द मेटवे और ऑन द पेंट ग्रे, आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। अब वो आगे कहता है आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और फिर जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड द डे, मैं हमेशा के लिए ही जाना चाहता हूँ, रात में भी और दिन में भी। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग, वहाँ पर जो वाटर का जो साउंड है, जैसे हम जब घर पर बैठते हैं या नर्मदा जी के घाट पर बैठेंगे किसी भी रिवर के पास में, जो कल कल की जो ध्वनि सुनाई देती है, पानी जब बहता है तो जो आवाज़ सुनाई देती है, तो कहता है मुझे इसका प्रेजेंस साउंड वहाँ पर सुनाई देगा, मतलब उसके किनारे पर, लेक के किनारे। और मैं वहाँ पर रोड वे पर खड़ा रहूँगा और वहाँ का नज़ारा देखता रहूँगा कि वहाँ कैसा नज़ारा है। आई हर्ड इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और मैं ये जो सारी चीज़ें हैं जो सुनूँगा वो अपने बाय द हार्ट सुनूँगा, मतलब कि अपने हार्ट से सुनूँगा, और वो मुझे प्लेजेंट प्रदान करेंगी, जॉय प्रदान करेंगी, पीस प्रदान करेंगी। तो यहाँ पर पोएट ने अपनी डिज़ायर जो है वो शो की है कि मैं अपना जो मोस्टली टाइम है वो टाइम मैं अपना स्पेंड करना चाहता हूँ
उस लेक के पास जा कर के, और जो लेक कैसी होगी उनकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग होगी, मतलब जैसा ये चाहते हैं वैसी ही रहेगी। यहाँ इस चैप्टर की हम वर्ड मीनिंग देखेंगे, यहाँ पर 3 वर्ड मीनिंग्स हैं। It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much.